अभिषेक बच्चन को बेरोजगार कहना यूजर को पड़ गया भारी, मांगनी पड़ी माफी। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अभिषेक बच्चन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वह हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर। वह लोगों के पोस्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें ट्रोल का सामना करना पड़ जाता है। हालांकि वह उससे घबराते नहीं है, बल्कि ट्रोल्स को अपनी भाषा में रिप्लाई देते हैं और उनकी बोलती बंद भी करा देते हैं। एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जब उनको ट्विटर पर लोगों ने बेरोजगार कहना शुरू किया। दरअसल पत्रकार पालकी शर्मा ने त्योहारों पर विज्ञापन से भरे अखबारों को लेकर ट्वीट किया, जिसके रिप्लाई में अभिषेक बच्चन ने लिखा, आप भी अखबार पढ़ती हैं। इसका जवाब पालकी से तो नहीं मिला, लेकिन सी जैन नाम का एक यूजर ने अभिषेक बच्चन के सवाल का रिप्लाई देते हुए लिखा, बुद्धिमान लोग पढ़ते हैं, आप जैसे बेरोजगार नहीं। अभिषेक बच्चन को ये व्यक्ति ट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक्टर रुके नहीं। उन्होंने घुमावदार एक और ट्वीट लिखा और कहा, ओ हाँ, इनपुट के लिए थैंक यू। वैसे बुद्धिमान और रोजगार दोनों का कोई संबंध नहीं है, खुद को ही ले लें। मैं ये बात पक्के से कह सकता हूँ कि तुम्हारे पास रोजगार है। मैं ये भी पूरे दावे से कह सकता हूँ कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम्हारे ट्वीट से जज कर रहा हूँ। अब क्या था, अभिषेक के इस जवाब से ट्रोल करने वाले यूजर की बोलती बंद हो गई। उसने कवर अप करने के लिए ट्वीट किया, लिखा, रिप्लाई पाने की निंजा टेक्निक, माफी चाहता हूँ अगर मैंने आपको दुख पहुँचाया हो तो। बता दे की बेटी नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट में श्वेता बच्चन ने अपने भाई अभिषेक को पूरी तरह से ट्रोल किए जाने पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक्टर की तुलना पिता अमिताभ बच्चन से करना गलत है, उनका ऐसी ट्रोलिंग से खून खौलता है। तो व्यूअर्स, इस ट्वीट की फाइटिंग के बारे में आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।